गाइस ये तो आप भूल जाओ कि मिनी ब्लॉग्स को अगर आपको वायरल करना है तो आप सिंपली ऐसे कुछ भी करके अपलोड कर दोगे और आपके मिनी ब्लॉग्स वायरल हो जाएंगे। मिनी ब्लॉग्स को वायरल करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात होनी चाहिए उसकी वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, आपकी जो वॉइस है, अगर आपकी वॉइस ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी। अगर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मिनी ब्लॉग्स कैसे वायरल होगा। अब बहुत सारे मेरे पे मिनी ब्लॉग्स हैं जिसमें हजारों में लाखों में व्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे मिनी ब्लॉग्स और भी लोग क्रिएट करते हैं जिनके रील्स पर लाखों में व्यूज हैं, और वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग बेस्ट तरीके से एडिटिंग कैसे कर सकते हो। बड़े ही वीडियो में एंड तक एंड प्लीज अगर आप चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आया। आज की एडिटिंग में करने वाला हूँ इन शॉर्ट ऐप के थ्रू, सो आप लोग इनको जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के थ्रू। सुबह की टाइम अगले करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मिनी ब्लॉग को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखो मिनी ब्लॉग्स का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत सारी क्लिप्स होती हैं, जैसे मेरी एक ये क्लिप है, ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी क्लिप आ गई, फिर मेरी एक भाई तीसरी क्लिप आ गई, फिर मेरी एक चौथी क्लिप आ गई, पांचवी क्लिप आ गई, छठवीं क्लिप आ गई, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी क्लिप्स को डाउनलोड कर लेना, मतलब आपकी क्रिएट कर लेनी है जो भी आपकी क्लिप्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये करता है कि आपका मिनी ब्लॉग्स में आप बता क्या रहे हो। अगर आप एक ट्रेवलर ब्लॉगर हो या फिर आप जो भी आप कर रहे हो आपको वैसे करना है सिंपल, ठीक है। बट याद रखना मिनी व्लॉग में आप ट्राई ये करना कि आपके जो पूरे मिनी व्लॉग का जो बेस्ट पॉइंट है, मतलब मिनी व्लॉग के जो कुछ हैपन हुआ हो, कुछ घटा हो उस चीज़ में, कुछ अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़, मतलब कुछ भी हो, आपको स्टार्टिंग के 5 सेकंड पहले वो बताना है कि मेरा आज लॉस होते होते बच गया, एग्जांपल के लिए मैंने ये बोल दिया और फिर मैंने स्टार्ट किया। सो गाइस मैं आज मॉर्निंग में उठा, मैं गया ऐसे ऐसे करके, ऐसे आपको मिनी ब्लॉग स्टार्ट करने हैं। सिंपली आपको देखो फिर वैसे ही एडिट करना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्लिप्स वगैरह मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा आपको मेरा वीडियो। आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है ईशु सिंह, ठीक है, आपको सर्च करना है ईशु सिंह। जैसे आप सर्च करोगे यूट्यूब पर ईशु सिंह, उसके बाद इंस्टेंट आपको आना है मेरे चैनल पर, और उसके बाद सिंपली आपको वीडियोज़ पर आना है और आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना है, ये वाला वीडियो मेरा, ठीक है। आप मेरे इस वीडियो को वॉच करना, इसमें मैंने बताया हुआ है कि इंस्टाग्राम पे मतलब एडिटिंग कैसे करते हैं, रील्स की एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये सीख जाओगे तो बेस्ट चीज़ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि एडिटिंग कैसे करते हैं। अब बात रही मिनी ब्लॉग की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनी ब्लॉग में हम उसी चीज़ को एडिट करते हैं। पहले अपनी एक आप स्क्रिप्ट लिखना प्रॉपर वैसे कि आपको बोलना क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी टाइप के कुछ बहुत क्लिप शूट करनी है। जैसे मुझे बोलना, मान लो अगर मैं एक गेमिंग के लिए कुछ बनाता हूँ, सो गाइस आज मेरा एक लाख का बस्ते बस्ते लॉस हो गया क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठा और मैं निकल जाता हूँ घूमने दोस्तों के साथ में और ऐसे वैसे करके, और मेरा बहुत सारा खर्च हो गया और मैं ट्रेडिंग करके यहाँ पर पैसा कमाने वाला हूँ। जैसे आपने बहुत सारे रील्स देखे हूँ चीज़ों को लेकर, तो ऐसे ही बनता है। बट आपको वहाँ पर आपकी क्लिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी क्लिप्स अच्छी नहीं होंगी एग्जाम्पल के लिए, तो क्या पता आपका मिनी ब्लॉग अच्छा नहीं होगा। और मिनी ब्लॉग में आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ होता है। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, सर कौन सा म्यूजिक लगाऊं, मुझे कमेंट करना। और हाँ, आपकी जो बैकग्राउंड वॉइस है ना मिनी ब्लॉग में, जो आपका वॉइस है आपका, वो बेस्ट होना चाहिए। माइक के थ्रू आप रिकॉर्ड करो, अगर आपके पास माइक नहीं है चीज़ें नहीं, मुझे कमेंट में बताओ तो मैं इस चीज़ के लिए आपके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि हाँ मेरे पास सर अच्छा माइक नहीं है, मैं क्या करूँ, ये नहीं है, ये करूँ, तो मुझे बताओ इसके बारे में, तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बाकी मिनी ब्लॉग को मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में आपको अच्छा हुक रखना है, मतलब जो हैपन हुआ हो वो करना है, और जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो पहले आप स्क्रिप्ट लिख लो, जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो उस टाइप के वीडियो को शूट करना है, ठीक है, मतलब क्लिप शूट करनी है। उसके बाद आपको ओवरवाइज करना है। ओवरवाइज कैसे करना है, सिंपली आपको ऑडियो में क्लिक करोगे और उसके बाद आपको सिंपली रिकॉर्ड में क्लिक करना है, आपका ओवरवाइज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप ओवरवाइज करना है किस वीडियो पे कि आप मिनी ब्लॉग्स कैसे एडिट कर सकते हो। बाकी आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी आपको एडिटिंग चाहिए, आप बताएंगे मुझे कमेंट में, सो मैं आपके लिए जरूर वीडियो ट्राई करूंगा। और हाँ, अगर चैनल पे नया हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 50,000 सब्सक्राइबर बहुत सून है अपने, क्या पता आप देख रहे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।